और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को जिसे उसकी मां तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने मां बाप का भी कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हां, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको कयामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है, खबरदार है। बेटा नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाके हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं? और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार कर दे और नेकुकार भी हो तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक ना कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और यह कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है, ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है, और जिसको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए? बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन हैं, ना शुक्र हैं। लोगों,
अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को कयामत का इल्म है और वही मैं बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है।